बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर से एक और नई वीडियो लेकर आज कैसे बताऊंगा जो उनसे आपकी गैसकेट की प्रॉपर जो कारपेंटर की सेटिंग है। मैंने पहले भी स्टॉप पर काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कारपेंटर की सेटिंग वगैरह कैसे करनी है। हमने नई किट वगैरह फिट कर ली, उसके सारी एक्सेसरीज है उसका, यानी कि सारा उसका सामान जो उनसे है, ठीक है। उसके बाद जो कारपेंटर में आपने जेट वगैरह फिट करवाने हैं वो कैसे करवाने हैं आज आपको इस वीडियो में सब बताया जाएगा। कारपेंटर में कहाँ कहाँ आपने सुराख करवाने हैं, ठीक है। जैसे ये पुराना कारपेंटर है, ठीक है। अभी हम दूसरा कारपेंटर रहेगा, वो बताएंगे कि इसके ऊपर कहाँ कहाँ सुराख करवाने हैं। तो ये हमारा कारपेंटर है, ये पुराना ही यूज़ आएगा। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि कारपेंटर जो सा वो हमारा नया यूज़ आएगा। कारपेंटर का आपका पेट्रोल है पहले वाला, तो आप कोशिश करें कि वो यूज़ करें, ठीक है। ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमने इसके सुराख करवाए हुए हैं, तो अभी आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ इसके सुराख कैसे करवाने हैं और इसके जो से जेट है वो कैसे कसने, ठीक है। ये पहले पाइप वगैरह हम सारे इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं, गैस किट के जो पाइप वगैरह इसके सारे सेटिंग वगैरह हमने पहले से कर लिया। अगर आप गैस किट लगाना चाहते हैं रिक्शे को, तो आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो प्रॉपर वीडियोस भी मैंने सारा समझाया हुआ है कि रिक्शे और गैस किट कैसे लगानी, सब कुछ समझाया हुआ है। सब भाइयों के लिए वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जैसे होते हैं कि हमने सुराख करवा लिया कारपेंटर में, एक इधर करवा लिया, एक इस साइड पर करवा लिया। एक है इसका छोटे पाइप का, एक है बड़े पाइप का, ठीक है। अभी आपको पाइप लगा कर भी चेक करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो सा ये छोटा जो सा नीचे सुराख है किनारे के पास, ये है छोटे पर्दे का, जो दूसरा है वो बड़े पर्दे का। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है किट का पर्दा वगैरह कैसे डालना, हमारे चैनल पे इसी टॉपिक की काफ़ी रेट में वीडियोस अपलोड है, ठीक है। ये इसकी है नोज़ल, ये आप ले लें इसीलिए गैस वाली कोई भी दुकान से मिल जाएगी। और अगर आप हमारी वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो आपको कोई मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि मैं हर टॉपिक की वीडियो लाता रहता हूँ। इस बार ये वीडियो मेरी बहुत लेट आ रही है, घर में फंक्शन था तो इसलिए वीडियो बना ली थी लेकिन एडिट नहीं कर पाया। जैसे टाइम मिला आप लोगों को वीडियो एडिट करिए, तो प्यार दिखाएं, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, और चैनल पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। लाहौर में मेरी दुकान है, ठीक है, मेरा नंबर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा आपको, तो आप मेरे से रब्ता करके अगर मेरी दुकान जाना चाहते हैं तो आप मेरी दुकान पर भी आ सकते हैं। जिस तरीके से हम इसको कर रहे हैं फिट, इसी तरीके से आप कर लें फिट। फिट करने के बाद अब इसको कसना है, ठीक है। अंदर वाली साइड पर इसका कोई नेट वगैरह नहीं अपने लगाना, अगर हम नेटवर्क लगाएंगे तो फिर वो खुल के वाल के ऊपर जाकर इंजन का ही मसला कर सकता है। तो आपने जेट को जो उनसे ना जेट कह लें या नोज़ल कह लें, जो भी कह सकते हैं अगर कह लें, तो इसको आपने जैसे चूड़ी ऑटोमेटिकली कारपेटर के ऊपर बन जाएगी। आपने इसके ऊपर इसको रख के ऐसे तरीके से कस के इसको प्लास वगैरह से किसी चाबी से अच्छे तरीके से कसाई डाल देनी है, जिस तरीके से हम डालेंगे। इसकी जो से नोज़ल वगैरह फिट करने के बाद इसको कारपेटर को कसते हैं, ठीक है। इसकी स्लैट अभी आपको दिखाते हैं, इसकी जो से कारपेटर की जो से बीच में स्लैट होती है ना, उसके बीच में एक पिन होती है, ठीक है। ये है ये जो सी एस, इसको कहते हैं आप, इसको पिन कह लें या इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर लॉक वगैरह होता है, ये निकाल लें क्योंकि ये पेट्रोल में यूज़ आती है, पेट्रोल वगैरह जो सा कारपेटर होता है उसमें यूज़ होती है। अगर आप पेट्रोल वगैरह की सेटिंग करना चाहते हैं, वीडियो चैनल पे अपलोड है, पेट्रोल की करनी है, गैस की सेटिंग को भी करनी है, गैस किट कैसे फिट करनी है और रिक्शे की वायरिंग कैसे करनी है, हर टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे विज़िट करें और आपको हेल्पफुल होगी वीडियोज़ वगैरह। और अपने जो से रिक्शे ड्राइवर्स के लिंक्स बनाए हुए हैं, आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके ऊपर मेरे लिंक्स शेयर करें, आप सबकी मदद आएगी। और मुझे बताएं आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, आपके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, जरूर यहाँ से वो चैनल सब्सक्राइब करें, उसके ऊपर व्लॉगिंग वगैरह का काम शुरू करना है इंशाल्लाह। उसके ऊपर भी रिक्शों के लिए, नहीं रिक्शा ड्राइवर के लिए टॉपिक्स पर वीडियोज़ वगैरह आती रहेगी, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसे क्लम वगैरह कस लेते हैं, सिलेंडर में गैस वगैरह डलवाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको इस आज की वीडियो में सिर्फ ये समझाया गया कि इसको जो है जेट कैसे लगाना, ठीक है। और जो सी वीडियो अगर आप गैस किट वगैरह फिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा, आप सोच जाए आपको प्रॉपर उस वीडियो में समझाया हुआ। आज की वीडियो में बस इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आपके लिए अल्लाह हाफिज़।